हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंतर्गत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है उसके दो पार्ट हैं, पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है मैग्नेटिज्म के दो पार्ट हैं, पहला है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग स्थिर चार्ज के बारे में अध्ययन करते हैं। जब चार्ज स्थिर हो, ये चार्ज मूव नहीं करता हो, हालांकि ट्रांसफर ऑफ चार्ज इज पॉसिबल, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मूलतः स्थिर चार्ज के बारे में अध्ययन करते हैं, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जब चार्ज मोशन में आ जाए तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग स्थिर चार्ज के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को याद होगा पुराने क्लास में, जब आई थिंक सेवंथ या एट्थ में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब ग्लास के रॉड को सिल्क से रगड़ा जाता है तो ग्लास का रॉड जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और सिल्क जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब सिल्क को एबोनाइट के रॉड से रगड़ा जाता है तो इस अब सिल्क जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और एबोनाइट नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। आप लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, जब कंघी को अपने बालों से रगड़कर जब छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास लाया जाता है तो कागज के टुकड़े को वो कंघी अपनी ओर आकर्षित करता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है चार्ज के कारण, आवेश। चार्ज को हिंदी में आवेश कहते हैं। तो ये चार्ज है क्या? चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट एक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। कहने का मतलब आवेश जो है किसी वस्तु का वह आंतरिक गुण है। यहां पर लिखाएगा, इसको मिटा देता हूं। तो आवेश क्या है, यानी चार्ज? चार्ज किसी वस्तु का वह आंतरिक गुण है जिसके कारण यह दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है ना। तो यह दूसरे वस्तु पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन अप्लाई करता है। तो चार्ज किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण यह दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह गुण वस्तु का आंतरिक गुण है, एक्सटर्नल गुण नहीं है, वस्तु के अंदर ही यह निहित होता है। तो चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बाय वर्च्यू ऑफ इट एक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग और रिपेलिंग अनदर ऑब्जेक्ट, है ना। तो जब हम ग्लास के रॉड को सिल्क से रगड़ते हैं तो अब ग्लास का रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और सिल्क नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, हम लोग जानते हैं पहले से। लेकिन वहीं जब सिल्क के कपड़े को जब एबोनाइट के रॉड से रगड़ा जाता है तो अब सिल्क पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और एबोनाइट नेगेटिवली चार्ज होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है क्योंकि इसमें जो है जो पदार्थ है, अलग अलग पदार्थों के इलेक्ट्रॉन को जब दोनों के बीच इंटरेक्शन होता है तो उसमें पदार्थों को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या प्रदान करने की अलग अलग क्षमता है, जिसको हम लोग ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज में सूचीबद्ध किए हैं। ठीक है, तो ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज क्या है? ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ गेनिंग और लूज इलेक्ट्रॉन। ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज जो है एक सूची है जिसमें पदार्थों को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या प्रदान करने के हिसाब से क्रमबद्ध किया जाता है। तो हम लोग यहां पर डिफिनेशन लिखेंगे, ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज एक जो है सूची है जिसमें पदार्थों को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या दूसरे वस्तु को इलेक्ट्रॉन प्रदान करने के हिसाब से क्रमबद्ध किया जाता है ना। तो अगर ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज में कौन कौन से पदार्थ किस तरह से क्रमबद्ध किया गया है तो इसको जानने के लिए हम लिखेंगे HNGL फॉर, ये चल नहीं रहा है,
एच एन जी एल फॉर, उसके बाद एस टी सी डब्ल्यू वुड, उसके बाद ए बी पी पी टी एबोनाइट। ये जो है एक याद रखने का एक तरीका, हालांकि इसको जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी जब कभी पूछता है कि जब ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रखा जाता है तो वो सिल्क नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और उसी सिल्क को जब हम एबोनाइट के साथ रगड़ते हैं तो अब सिल्क धन आवेश होता है। ये हम कैसे पता करें? तो इसको पता करने के लिए हम लोग ट्रायगो इलेक्ट्रिक सीरीज को देखेंगे और उस सीरीज में कौन सी वस्तु कहां है उसके हिसाब से इसको डिटरमाइन किया जाता है, इसको रिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो उस सीरीज को याद रखने के लिए हमारे पास एक कीवर्ड है एच एन जी एल फॉर, एस पी सी डब्ल्यू वुड, ए बी पी पी टी एबोनाइट। यहां पर एच का मतलब है हेयर, एच का मतलब हो गया हेयर, एन का मतलब हो गया नायलोन, जी फॉर ग्लास, उसके बाद एल है एल फॉर लेदर, उसके बाद आता है फर। ठीक है, तो इसके बाद है एस पी सी डब्ल्यू, एस फॉर सिल्क, पी फॉर पेपर, सी फॉर कॉटन, और कॉटन के बाद है उल डब्ल्यू, और उल के बाद हिंदी में उड। ठीक है, इसके बाद तीसरे लाइन में है ए बी पी पी टी, ए फॉर एम्बर, बी फॉर बलून एंड पी फॉर पॉलिस्टर, और अगला पी है उसका मतलब हो गया प्लास्टिक, और टी फॉर टेफलॉन, और नीचे में है एबोनाइट। तो इस सीरीज को हम लोग कहते हैं ट्रायगो इलेक्ट्रिक सीरीज। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए हमारे पास है कीवर्ड एच एन जी एल फॉर, एस पी सी डब्ल्यू वुड, और ए बी पी पी टी एबोनाइट। तो इसमें एच फॉर हेयर मतलब बाल, एन फॉर नायलोन, नायलोन आप लोग जानते होंगे, जी फॉर ग्लास, एल फॉर लेदर एंड देन फर। उसके बाद है एस पी सी डब्ल्यू वुड, एस फॉर सिल्क, पी फॉर पेपर, सी फॉर कॉटन एंड डब्ल्यू फॉर उल, उल मतलब ऊन। ठीक है, उसके बाद है वुड, वुड मतलब लकड़ी, और तीसरे लाइन में है ए बी पी पी टी एबोनाइट, ए फॉर एम्बर, बी फॉर बैलून, पी फॉर पॉलिस्टर एंड अगला पी है उसके लिए प्लास्टिक के लिए यूज किए, और टी फॉर टेफ्लॉन, और लास्ट में एबोनाइट। तो ये एक पदार्थों की सूची बनती है, इस सूची को ही हम लोग कहते हैं ट्रायगो इलेक्ट्रिक सीरीज। ठीक है, तो ट्रायगो इलेक्ट्रिक सीरीज में जो पदार्थ सबसे ऊपर है वो उसको पॉजिटिव माना गया है यानी इलेक्ट्रॉन देने वाला, और जो सबसे नीचे है उसको निगेटिव माना गया है यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला, और इस प्रकार से क्रमशः सबसे ज्यादा धनात्मक हमारा बाल है, बाल टॉप पे होता है याद रखने के लिए, बाल हमेशा टॉप पर है तो टॉप हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो टॉप पर जो है वो क्रमशः ये पॉजिटिविटी इसकी घटती जाती है, तो अंतिम में सबसे कम पॉजिटिव हमारा एबोनाइट है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम हेयर को बाल को नायलोन के साथ अगर रगड़े तो इसमें क्या होगा, बाल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और इसकी तुलना में नायलोन जो है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यानी बाल जो है वो इलेक्ट्रॉन देगा और नायलोन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ठीक इसी प्रकार अगर बाल को हम लोग ग्लास रड से रगड़े तो अभी क्या होगा, ग्लास जो है हमारा बाल पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ग्लास निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, है ना। लेकिन वही अगर ग्लास को अगर किसी फर से रगड़े या सिल्क से रगड़े तो यहां पर क्या होगा, ग्लास हो जाएगा इस बार पॉजिटिव चार्ज और सिल्क हो जाएगा निगेटिव चार्ज, है ना। इस क्रम के अनुसार जो ऊपर में है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा और जो नीचे है वो हमेशा निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम इस सिल्क को
अगर एबोनाइट से रगड़े तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर सिल्क ऊपर है इसलिए पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, है ना, धनावेशित हो जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देगा और एबोनाइट जो है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा इसलिए एबोनाइट जो है नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, है ना। तो इस सूची को हम चाहे तो याद रख सकते हैं और याद रखने के लिए HNGL फॉर SPCW वुड और ABPPT एबोनाइट इसको याद रखेंगे, है ना। एक बार फिर बता देते हैं, जो ऊपर है वो हमेशा धनावेशित होगा और जो नीचे है वो निम्नावेशित होगा, मतलब ऋणावेशित होगा, है ना। तो ट्राइवो इलेक्ट्रिक सीरीज एक सूची है जिसमें पदार्थों को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या प्रदान करने के हिसाब से क्रमबद्ध किया जाता है। जैसे कि यहां एक क्रमबद्ध किया गया है इस कुछ पदार्थों को, तो ऊपर वाला हमेशा इलेक्ट्रॉन को प्रदान करेगा और जो नीचे है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, है ना। हेयर ऊपर है, हेयर को अगर हम ग्लास से रगड़े तो बाल क्या होगा, ऊपर है तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ग्लास नीचे है इसलिए निगेटिव चार्ज हो जाएगा। और ग्लास को ही यदि हम सिल्क से रगड़े तो इस बार ग्लास चूंकि सिल्क से ऊपर है तो ग्लास इस बार पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, है ना, और सिल्क नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। कुछ बच्चों ने मुझसे ये सवाल किया था कि सर कभी आप तो कहते हैं कि ग्लास को सिल्क से रगड़ते हैं तो सिल्क नेगेटिव चार्ज हो जाता है, जब उसी सिल्क को एबोनाइट से रगड़ते हैं तो इस बार सिल्क जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ये कैसे। इसका कारण ये है कि दो पदार्थों को जब हम आपस में इंटरेक्ट करते हैं यानी आपस में घर्षण करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण हम लोग क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को देता है देने वाला हमेशा धनात्मक होता है, है ना। अगर हमारे पास कुछ पैसा है और उस पैसे को हम किसी को दे दें तो ऐसे तो नॉर्मली मेरे पास पैसा घट गया, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग इसको मानते हैं कि जो देने वाला है वो हमेशा धनी होता है। तो जब बच्चे ने पूछा था मेरे से तो मैंने यही जवाब दिया कि जब ग्लास रॉड को सिल्क से रखा जाता है तो इसमें ग्लास जो है वो इलेक्ट्रॉन को देता है तो ग्लास पॉजिटिवली चार्ज होता है और सिल्क नेगेटिवली चार्ज होता है क्योंकि वो ग्रहण करता है। लेकिन इसकी तुलना में जब सिल्क और एबोनाइट को लेते हैं तो सिल्क इस बार इलेक्ट्रॉन को देने का काम करता है, है ना। ये जो एटम में जो परमाणु होते हैं तो परमाणु में जो के बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं चक्कर लगाते हैं तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो वही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, अंदर के इलेक्ट्रॉन नहीं, कोर इलेक्ट्रॉन जो अंदर इलेक्ट्रॉन होता है बाहरी कक्ष को छोड़कर अन्य कक्ष में, तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक्चुअली नहीं होता, ना ही प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है ना ही न्यूट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जब भी ट्रांसफर होता है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है ना। तो जब हम किसी वस्तु को आपस में दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों वस्तु आवेशित हो जाती है, उसमें क्या होता है दोनों वस्तु आवेशित होता है मतलब कि दोनों में एक गुण डेवलप हो जाता है जो कि दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है या फिर प्रतिकर्षित करता है, ठीक है। तो यही हमारा जो सीरीज है इस सीरीज को हम लोग ट्राइवो इलेक्ट्रिक सीरीज कहते हैं। याद रखने के लिए HNGL फॉर SPCW वुड और ABPPT एबोनाइट, ठीक है ना। ये बात हम लोगों को लगभग 600 BC पूर्व ये पता चला था इस इन चीजों के बारे में कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो वो आवेशित हो जाती है। तो एक बार फिर से आवेश क्या है, आवेश किसी वस्तु का आंतरिक गुण है, इंटरनल प्रॉपर्टी है, इंट्रांजिक प्रॉपर्टी भी बोलते हैं उसको। तो आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण उसमें दूसरे वस्तुओं को उस वस्तु में दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या फिर प्रतिकर्षित करने का की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो यही था हमारा ट्राइवो इलेक्ट्रिक सीरीज। तो चार्ज जो है, चार्ज को हिंदी में कहते हैं आवेश, ठीक है। तो चार्ज जो है वो उसका मात्रक होता है कूलम्ब, ठीक है। और चार्ज को मापने के लिए हम लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग किया था, इलेक्ट्रोस्कोप के माध्यम से हम चार्ज का पता कर सकते हैं, ठीक है ना। और हम लोग ये भी जानते हैं जब दो समान चार्ज, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो हम ये भी जानते हैं कि जब दो समान चार्ज यानी पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में रिपेल करेगा या फिर निगेटिव निगेटिव आपस में रिपेल करेगा तो समान चार्ज आपस में प्रतिकर्षित करते हैं और असमान चार्ज एक दूसरे की ओर आकर्षित करते हैं, है ना। जैसे बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज अगर पॉजिटिव चार्ज है और गर्ल्स निगेटिवली चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे
और ऐसे ही जब दो बॉयज होंगे तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे या फिर दो गर्ल्स होंगे आपस में रिपेल करेंगे, तो ऐसे भी हम लोग याद रख सकते हैं। तो क्या है कि समान चार्ज आपस में प्रतिकर्षित करते हैं और असमान चार्ज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। और चार्ज का पता हम कैसे कर सकते हैं, एक्चुअली रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट फॉर चार्ज। जो प्रतिकर्षण है उससे ही हम लोगों को पता चलता है कि दो वस्तु आपस में धनावेशित है या ऋणावेशित है, है ना। मान लेते हैं हमारे पास दो वस्तु है और दोनों चार्ज है, हमारे पास दो वस्तु है जिसमें से कि एक वस्तु चार्ज है और दूसरा चार्ज नहीं है, तो कैसे पता करेंगे कि ये चार्ज है या नहीं है, तो रिपल्सन से पता करेंगे। क्योंकि जब एक वस्तु चार्ज ऑब्जेक्ट को हम दूसरी वस्तु के पास लाएंगे तो क्या होगा, अगर ये अपोजिट चार्ज होगा तो अट्रैक्ट करेगा, या फिर न्यूट्रल होगा चार्ज नहीं होगा तो भी इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसे पता नहीं चलता है कि इसमें चार्ज था या नहीं था, तो पता करने के लिए क्या है, रिपल्सन होना जरूरी है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट फॉर चार्ज, ठीक है। तो आवेश जो है किसी वस्तु का आंतरिक गुण है जिसके कारण इसमें दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। और चार्ज का मात्रक जो है वो है कूलाम। कूलाम एक ग्रेट साइंटिस्ट थे जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कूलाम्स लॉ, ठीक है। अब आते हैं हम लोग देखते हैं चार्ज के क्या क्या गुण है, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, सबसे पहले चार्ज जो है वो कंजर्व होता है। मतलब कि चार्ज का ना निर्माण किया जा सकता है, आवेश का ना निर्माण किया जा सकता है, न ही उसको नष्ट किया जा सकता है। हम चार्ज को डेवलप कर सकते हैं, कहने का मतलब कि चार्ज उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि चार्ज को हमने बनाया। एक्चुअली चार्ज तब उत्पन्न होता है जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, ठीक है। यहां चार्ज की अपने आप उत्पत्ति नहीं हुई, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं चार्ज जो है कंजर्व रहता है। तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो चार्ज का ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग कहते हैं चार्ज जो है कंजर्व है। तो कहा जा सकता है, लिख सकते हैं कि चार्ज इज कंजर्व। ब्रह्मांड में हम ना चार्ज उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही चार्ज का नाश कर सकते हैं, चार्ज सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर हो सकता है, और चार्ज का सिर्फ स्थान बदलता है, ठीक है। तो ये पहला प्रॉपर्टी था कि चार्ज जो है वो कंजर्व रहता है, ठीक है। कंजर्वेशन मतलब जैसे हम लोग पढ़े होंगे कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक उसी प्रकार से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ब्रह्मांड में चार्ज का ना निर्माण होता है न ही हम इसे नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ चार्ज एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर होता है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। जो किसी वस्तु में चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी गुणज में होता है। इलेक्ट्रॉन में जितने चार्ज होते हैं उसका गुणज होता है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन पर जितने चार्ज हैं उसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें इंटीजर से, इंटीजर का मतलब 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा, तो ये हमारी पॉजिटिव नेगेटिव व्हाटएवर, तो ये हमारा कुल चार्ज कहलाएगा, ठीक है। सो चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होते हैं 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम चार्ज, हम लोग ये मानते हैं ये चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर। तो जब भी होगा इसके मल्टीपल में, किसी वस्तु पर चार्ज होगा इसके मल्टीपल में होगा, क्यों, क्योंकि जब भी चार्ज डेवलप होता है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो इतना इलेक्ट्रॉन आया या गया, तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा वही ट्रांसफर होगा ना। तो चार्ज को हम लोग बोलते हैं ये जब भी किसी वस्तु पर चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ये थे चार्ज के गुण। तो हम लोग जब अच्छा ये एक बात हम कहते हैं, तो किसी वस्तु पर चार्ज कितना हो सकता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम हो सकता है, या फिर 3.2 × 10⁻¹⁹
-19 कूलाम हो सकता है और इसी के गुणज में हो सकता है। अगर हम बोले 0.5 × 10⁻¹⁹ कूलाम चार्ज पॉसिबल है कि नहीं है तो नहीं है, क्योंकि चार्ज हमेशा मल्टीपल में जो इंटीजर है उसके मल्टीपल में होता है। ठीक है, ये आधा अधूरा चार्ज, डेढ़ पौने ऐसा चार्ज नहीं हो सकता है। ठीक है, हाँ एक पदार्थ है जो हाल में खोज हुआ है उसका, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वार्क। ठीक है, तो क्वार्क जो है उस वो एक्सेप्शन है। उसमें क्या होता है, उसमें क्वार्क में चार्ज में जो होते हैं वो क्वार्क एक न्यू पार्टिकल की खोज हुई है, तो इसमें जो है इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होता है। क्वार्क में चार्ज जो है वो 1/3 ± 1/3 ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और 1/2/3 ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस एंड सो ऑन लाइक दैट। तो ये क्वार्क की प्रॉपर्टी है, लेकिन क्वार्क जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, ये तो प्रोटोन और न्यूट्रॉन पर निर्भर करता है। तो हम यहाँ पर क्वार्क की बात नहीं करेंगे। नॉर्मली जो चार्ज है वो क्वांटाइज होता है किसी वस्तु पर। ठीक है, तो ये थे हमारे चार्ज के प्रॉपर्टी, चार्ज के गुण। ठीक है, तो चार्ज से के संबंध में कूलाम्स महोदय थे, उन्होंने एक नियम दिया कि चार्ज जब दो चार्ज है वो आपस में एक दूसरे के नजदीक है तो उनके बीच कितना फोर्स लगेगा। तो उसके लिए कूलाम्स ने नियम दिया था कि दो चार्ज के दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। का बल दोनों चार्ज के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो चार्ज हैं, पहला चार्ज, हालांकि ये ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है लेकिन मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है जिसमें कि चार्ज Q1 है और दूसरा ऑब्जेक्ट है चार्ज Q2 है, और ये दोनों वस्तु को हम लोग एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखते हैं। तो इन दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला जो बल है, इसके बीच जो बल लगेगा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट पर चार्ज है Q1 और दूसरे पर है Q2, तो और ये दोनों r दूरी पर है। तो कूलाम्स कहते हैं कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उनके चार्ज के गुणनफल के समानुपाती होता है। जो इन दोनों के बीच क्या हुआ, या तो आकर्षण का बल लगेगा या फिर विकर्षण का बल लगेगा, डिपेंड करता है कि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है या फिर उनमें से एक पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है। तो कहता है कि दो चार्ज के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल दोनों चार्ज के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी F is proportional, directly proportional to Q1 into Q2, ये पहला नियम है कूलाम्स के चार्ज का। ठीक है, और दूसरा पार्ट है ये जो है इनके बीच की दूरी जो है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलाम्स का नियम क्या है कि दो चार्ज के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उनके गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगर हम इस दोनों को अगर मिला दें तो हमारा एफ समानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 / R2, और यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन जो है इसको अगर हटाएं तो हो जाएगा एफ इक्वल टू, एक कांस्टेंट देते हैं जनरली, ठीक है, जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एक इक्वल का साइन देकर के एक कांस्टेंट देते, तो एफ विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 / R2। यहां पर जो की है के है एक स्थिरांक है, कांस्टेंट है, और इस के का वैल्यू होता है k = 1/4πε0। तो हमारा फोर्स जो है फोर्स हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 / R2। यही हमारा कूलाम्स लॉ है, जहां पर 1/4πε0 जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो कूलाम्स लॉ क्या कहता है, कूलाम्स लॉ कहता है कि दो चार्जों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उनके चार्जों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार से हम एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 / R2 और फाइनली एफ इक्वल टू के
इंटू क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, है ना, जहां के का वैल्यू होता है 1/4 का एप्सिलॉन जीरो, और एप्सिलॉन जीरो जो है, एप्सिलॉन जीरो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ स्पेस, इसके बीच में जो भी है हवा हो सकता है या पानी हो, कुछ भी हो सकता है, कोई मटेरियल डायलैक्टिक, ठीक है, डायलैक्टिक की बात हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन इसके बीच जो मीडियम है इसकी परमिटिविटी है, यानी इसमें आवेश महसूस करने की क्षमता, ठीक है, तो इस परमिटिविटी ऑफ दिस स्पेस, सो इसको हम लोग एप्सिलॉन कहते हैं, और इस एप्सिलॉन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे बाद में, तो एप्सिलॉन जीरो का मान होता है हवा के लिए, एप्सिलॉन जीरो का मतलब एयर और वैक्यूम, ठीक है, तो इसका वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻¹² कूलम स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻¹² कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू है, और अगर इस एप्सिलॉन जीरो को हम लोग इसमें डाल दें तो हमारा एफ हो जाएगा, फाइनली एफ हो जाएगा 1/4 pi, एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू डालेंगे तो 8 × 85 × 10⁻¹⁹ कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इतना इंटू Q1 Q2 by R square, और इसका वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 9 × 10⁻¹⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, सो F इक्वल टू, फाइनली F इक्वल टू 9 × 10⁻¹⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है, इंटू Q1 Q2 by R square। तो कहने का मतलब हम लोग जब भी 1/4 का एप्सिलॉन जीरो हम लोग लेंगे तो उसके बदले में डायरेक्टली हम लोग 9 × 10⁻¹⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर भी ले सकते हैं, है ना, और ये वैल्यू कहां से आया, एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻¹⁹, ठीक है, तो इस वैल्यू को अगर हम लोग पाई के साथ मल्टीप्लाई करें और 4 के साथ मल्टीप्लाई करें और उसको इन्वर्स कर दें 1/4, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 9 × 10⁻¹⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है, तो ये था हमारा कूलम्स लॉ। तो एक बार फिर कूलम्स लॉ क्या कहता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट और टू चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, कहने का मतलब दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल जो है वो दोनों चार्ज के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्पन्नपाती होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जो चार्ज है इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन कहां तक महसूस हो सकता है, ठीक है, तो हालांकि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन ये अनंत तक महसूस कर सकते हैं, ये सिर्फ कहने की बात है, लेकिन एक्चुअल में इसका क्षेत्र जो है लिमिट होता है, तो किसी चार्ज के चारों ओर का क्षेत्र जहां पर हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन महसूस कर सके उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, किसी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम आकर्षण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन जो विद्युत स्थिर विद्युत का जो बल है वो हम महसूस कर सके, तो उस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं विद्युतीय क्षेत्र, ठीक है, तो फिर से हम लोग कर रहे हैं कि किसी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम विद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल महसूस करते हैं उस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युतीय क्षेत्र, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरा कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इन दोनों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन तत्काल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, हम लोग पढ़े होंगे एनर्जी दो प्रकार के हैं, पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन हाइट, है ना, तो जैसे mgh पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv², और यहां तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, डायनेमिक्स तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हम लोग पोटेंशियल की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके दो कंपोनेंट हैं, पहला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
ठीक है। और दूसरा कंपोनेंट है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल या सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, यानी विद्युत, विद्युत कैसे लिखा जाता है, विद्युत विभव, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, 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 ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो ऊर्जा है, किसी चार, किसी आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र है, ठीक है, तो उसको हम लोग उसकी ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और उस क्षेत्र में जो हम लोग बल महसूस करते हैं किसी एक टेस्ट चार्ज पर, एक यूनिट चार्ज पर, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कहने का मतलब कि उस क्षेत्र में कितना ताकत है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कंफ्यूज नहीं करना है, कंफ्यूजन नहीं करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उस विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है, यानी उस विद्युतीय क्षेत्र में का जो है स्ट्रेंथ है, ठीक है, ताकत है एक तरह से, ठीक है। इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक कैंडल है, ठीक है, इसी को कैंडल मान लेते हैं। तो एक कैंडल है और इस ये कैंडल जल रहा है, मोमबत्ती। तो इस मोमबत्ती का प्रकाश जहां जहां तक पहुंच रहा है, ये जो है ये इस आग का, ये इसका क्या हुआ, क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अलग अलग जगह पर जो है इस आग का जो तापमान है वो अलग अलग होगा। इसमें अगर ज्यादा आग है तो ज्यादा गर्म हो सकता है, और या कम, तो जो वो आग में कितना जलाने की क्षमता है वो हो गई स्ट्रेंथ ऑफ फायर, ठीक है। तो आग के चारों ओर जो रोशनी फैल रही है वो हो गया आग का क्षेत्र, उसी प्रकार चार्ज के चारों ओर का क्षेत्र हो गया हमारा विद्युतीय क्षेत्र, ठीक है। और उस क्षेत्र का जो स्ट्रेंथ है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो इस दोनों में अंतर है। जब कभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो सिंपली इसको ये समझा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की का स्ट्रेंथ, ठीक है। और नॉर्मली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव, ये कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के, दो कंपोनेंट, ठीक है। जैसे मैंने आग का एग्जांपल दिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इसको हम लोग जनरली वी से इंडिकेट करते हैं और इसको हम लोग ई से इंडिकेट करते हैं। ये वही पोटेंशियल है जो हम लोगों ने जो कि डिफाइन करते हैं हम लोग कि एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। एकांक धनावेश को द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ सर्टेन पॉइंट विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। और उस फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा उसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी। इन दोनों के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ये हमारा अमाउंट ऑफ वर्क डन है, ध्यान दीजिए, वर्क डन, वर्क डन मतलब एनर्जी है ना। तो इस एनर्जी को हम लोग यहां पर इलेक्ट्रिक एनर्जी है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रूप में इंडिकेट करते हैं, ठीक है, स्थिर ऊर्जा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग हिंदी में विभव भी बोलते हैं, विद्युत विभव, ठीक है। और जिसको की डिफाइन करते हैं द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक किसी विद्युत क्षेत्र के किसी विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। यहां पर जो धनावेश बोल रहे हैं, एकांक धनावेश यानी एक यूनिट टेस्ट चार्ज, यहां धनावेश का कतई मतलब है पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ठीक है, यहां ना तो निगेटिव चार्ज है,
ना तो पॉजिटिव चार्ज ना तो निगेटिव चार्ज। ये टेस्ट चार्ज का मतलब है कि एकदम छोटा चार्ज, ऐसा छोटा चार्ज जिसको कि हम लोग नेग्लिजिबल मान सकते हैं, वो धनावेश भी हो सकता है और ऋणावेश भी हो सकता है। तो विद्युत पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, एकांक धनावेश को किसी, इस पे बात करेंगे हम लोग, एकांक धनावेश को किसी विद्युतीय क्षेत्र तक लाने में क्या गया कार्य हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र किसको कहते हैं, विद्युत क्षेत्र किसी चार्ज के, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन महसूस करते हैं, किसी किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम लोग आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल हम लोग महसूस करते हैं, विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक जो फील्ड है उसके दो कंपोनेंट जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वह एक काल्पनिक रेखा है जो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के का टेंजेंट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, एक काल्पनिक रेखा, एक्चुअल में कोई रेखा उखा है नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे ये चार्ज है तो इसका ये एक यूनिट कोई चार्ज ले लेते हैं क्यू चार्ज, इसका विद्युतीय क्षेत्र ये हो गया, ठीक है। तो इस विद्युतीय क्षेत्र में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, इसमें एक काल्पनिक रेखा है जो ये रेखा, ये रेखा, ये ठीक है, या फिर अंदर की ओर जाने वाला, तो इसको हम लोग बोलते हैं सॉरी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एक काल्पनिक रेखा है जो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के टेंजेंट को कहते हैं, है ना। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन थ्रू अ रीजन ऑफ स्पेस सो दैट इट्स टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, हम लोग जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कुछ प्रॉपर्टी हैं, उस प्रॉपर्टी का हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्या क्या प्रॉपर्टी है। जैसे हम लोग दिखाते हैं कि जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव से निकलती है, ऐसा हम लोग मानते हैं, एक्चुअली है नहीं, ठीक है। तो दूसरा प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव से निकलती है और निगेटिव चार्ज में प्रवेश करती है ना। और तीसरा प्रॉपर्टी है द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइन एट सम प्लेस गिव्स द आइडिया अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, है ना। तो क्या है कि जो रिलेटिव क्लोजनेस है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में कितने करीब है या कितने दूर है, ये हमारा डिसाइड करता है कि जो विद्युत क्षेत्र है उसकी तीव्रता कितनी अधिक है। अधिक तीव्रता होगी तो दोनों बहुत करीब करीब होंगे, और तीव्रता कम होगी तो वो दूर दूर होंगे, है ना। और कहता है कि तीसरा नेक्स्ट पॉइंट जो प्रॉपर्टी है, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो हम लोग देखते हैं, जनरली पहला प्रॉपर्टी है कि जो धन आवेश है, तो हम लोग क्या मानते हैं कि धन आवेश से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर निकलता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड धन आवेश से बाहर की ओर निकलता है, और अगर यही ऋण आवेश होगा, निगेटिव चार्ज होगा, तो इसमें हम लोग क्या मानेंगे, एक क्यू वन है, एक क्यू टू है। क्यू वन एक पॉजिटिव चार्ज है और क्यू टू एक निगेटिव चार्ज है। तो निगेटिव चार्ज हम लोग ये मानते हैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर आकर के घुसती है, यानी प्रवेश करती है कुछ इस प्रकार से। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ, ठीक है, इस तरह से। और अगर ये निगेटिव चार्ज है तो इसमें अंदर की तरफ, ये हम कॉन्वेंशनली मानते हैं ऐसा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है एक प्रॉपर्टी कि हमेशा ये पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है और निगेटिव चार्ज के अंदर प्रवेश करती है, ठीक है। और जब दो चार्ज को आपस में नजदीक में रख दिया जाए, दो चार्ज को, अपोजिट चार्ज को, सपोज दो चार्ज है, ठीक है, ये एक चार्ज है और ये एक निगेटिव चार्ज है, दोनों को आपस में नजदीक रखा गया,
तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा बनेगा, तो हम लोग करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज है ये, ए एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की ओर निकलेगी, बाहर की ओर निकलेगी, है ना। और इसकी डायरेक्शन को एरो द्वारा इंडिकेट कर दी, ये बाहर की ओर निकल रही है, ये बाहर की ओर निकल रही है। इसी प्रकार से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की ओर प्रवेश कर रही है, अंदर की ओर प्रवेश कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारा निगेटिव चार्ज में अंदर की ओर प्रवेश कर रही है, ठीक है। इसी तरह से ये बाहर निकल रही है, ये बाहर निकल रही है, ठीक है, और ये निकल करके इसमें निगेटिव फील्ड में प्रवेश कर रही है ऐसे। पॉजिटिव से निकल करके निगेटिव में प्रवेश कर रही है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसका चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा, है ना। इससे निकली और निगेटिव में प्रवेश की, ये भी कहीं से आई, इधर से कहीं से निकल करके दूर से आकर के फिर इसमें प्रवेश की, इसमें निगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है प्रवेश करती है और पॉजिटिव लाइन में निकलती है। तो हम लोग जब दो समान चार्ज है, दो असमान चार्ज है, तो हम लोग यही मानते हैं कि इसका फिगर कुछ इस प्रकार से होगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है हमेशा पॉजिटिव से निकलती है और निगेटिव में प्रवेश करती है। पहला प्रॉपर्टी क्या था कि दो फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगी। फील्ड लाइन अगर एक है ऐसे और दूसरा ऐसे, ना ये संभव नहीं है, ठीक है। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को कट नहीं करती, काटती नहीं है, ये पहला प्रॉपर्टी था। दूसरा प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है हम मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है और निगेटिव चार्ज में प्रवेश करती है। अगर दोनों मान लेते हैं कि दोनों पॉजिटिव चार्ज हो, तब कैसा बनेगा इसका फिगर देखते हैं। दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज ही हो, जैसे कि मान लेते हैं एक क्यू वन चार्ज है प्लस और दूसरा भी क्यू टू चार्ज है, क्या होगा, इससे चार्ज बाहर निकलेगी, है ना। इससे चार्ज बाहर निकल रही है, इससे चार्ज बाहर निकल, इससे भी बाहर निकल रही है, ये बाहर निकल रही है, ये बाहर निकल रही है, ये भी बाहर निकल रही है, इधर भी बाहर निकल रही है, इधर भी बाहर निकल रही है, है ना, इधर भी बाहर निकल रही है इस प्रकार से। और फिर क्या है कि यहां ये चार्ज इधर नहीं जाएगी, तो क्या होगा, ये चार्ज जो है यहां से अगर निकल रहा है तो ये इसके तरफ जाकर के ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये इससे निकल के कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, फिर यहां से निकल के कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, फिर ये निकल के कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, उसी प्रकार से ऐसा कुछ इस प्रकार से, क्योंकि ये रिपेल कर रहा है बीच में, है ना, तो ये बाहर की तरफ रिपेल कर रहा है, तो फिगर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है जब इसका हम लोग ड्रॉ करना चाहें तो इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो दो पॉजिटिव चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर दिखाना हो एग्जाम में पूछता है तो हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं, है ना। और ये निगेटिव चार्ज होगा तो ये जो है हमारा एरो का डायरेक्शन सब में उल्टा हो जाएगा बस, ठीक है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहला कि ट्रायो इलेक्ट्रिक सीरीज के बारे में जाना कि ट्रायो इलेक्ट्रिक सीरीज क्या होता है। ट्रायो इलेक्ट्रिक सीरीज जो है एक सूची है जिसमें पदार्थों को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या प्रदान करने के हिसाब से क्रमबद्ध किया जाता है, ठीक है। और जब उस सूची में हम लोग कैसे याद रखते हैं, HNGL फर SPCW वुड ABPPT एबोनाइट, है ना। तो इस सूची में जो टॉप पे है वो पॉजिटिव चार्ज होगा, जो बॉटम में है वो निगेटिव चार्ज होगा क्रमशः, ठीक है। और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं चार्ज दो प्रकार के हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। जब ग्लास रॉड को सिल्क से आपस में इंटरेक्ट किया जाता है तो क्या होता है, ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज होता है और सिल्क जो है निगेटिवली चार्ज होता है। इसी प्रकार से जब सिल्क को एबोनाइट से रगड़ते हैं तो सिल्क पर धनावेश और एबोनाइट पर ऋण आवेश हो जाता है, है ना। तो ये आवेश क्या है, आवेश किसी वस्तु का इंट्रांजिक प्रॉपर्टी है, इंटरनल प्रॉपर्टी है, जिसके कारण बाय वर्चू ऑफ व्हिच इट एक्वायर्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन ऑन अदर ऑब्जेक्ट। जो आवेश है किसी वस्तु का वह आंतरिक गुण है जिसके कारण यह किसी दूसरे वस्तु पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगाती है, है ना। तो हम लोग चार्ज को एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं उससे नापते हैं और इसका मात्रक होता है कूलम्ब्स, ठीक है। और चार्ज के क्या क्या गुण है, तो चार्ज के गुण है पहला कंजर्वेशन, चार्ज का न आवेश का न निर्माण हो सकता है न ही इसको हम लोग नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ इसका आदान प्रदान होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में आगे हम लोग जब रेडियो एक्टिविटी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये रेडियो एक्टिविटी चैप्टर केमिस्ट्री में भी है,
तो उस समय इसको हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, क्वांटाइजेशन, यानी चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब चार्ज पैकेट में होता है। पैकेट का मतलब है कि चार्ज जो है जब भी, चूंकि चार्ज क्यों डेवलप होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, तो वो चार्ज जो है जब भी, हाँ, तो वो चार्ज हमेशा क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन के आने जाने से होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उसी का तो मल्टीपल हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इसलिए चार्ज जो है वो क्वांटाइज होता है। यानी चार्ज, टोटल चार्ज q इज इक्वल टू प्लस और माइनस n इंटू ई, जहां n जो है इंटीजर्स है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। n कभी भी 0.5, 0.3, 0.2, 1.5 ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, क्वार्क एक मटेरियल है जो कि एक न्यू पार्टिकल के रूप में है, तो इसकी खोज हुई है, तो उसमें क्या होता है कि 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी n बाय 3, 2 बाय 3 इस तरह से होता है, लेकिन उसके बारे में अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चार्ज जो है वो क्वांटाइज होता है। और किसी आवेश के चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम विद्युतीय बल को महसूस करते हैं उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र जो है उसकी तीव्रता कितनी होती, सॉरी, विद्युत क्षेत्र के दो कंपोनेंट है, पहला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में है, और अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी ऊर्जा जिसको बी द्वारा सूचित करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वह किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा है, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी विद्युतीय क्षेत्र में के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के क्या क्या गुण है, तो कहता है कि पॉजिटिव चार्ज से हम हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बाहर निकलता हुआ दिखाते हैं, ऐसा मान के चलते हैं, और निगेटिव चार्ज हमेशा प्रवेश करती है। ठीक है, और दूसरा प्रॉपर्टी है कि दो फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती, कभी भी नहीं कट करेगी। ठीक है, और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट सम प्लेस गिव द आइडिया अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर आपस में बहुत करीब करीब है, बहुत नजदीक है, तो इसका मतलब ये है, हम आइडिया लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, जैसे कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे है, ये दोनों बहुत आपस में, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है आपस में बड़ा करीब है। ठीक है, और दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा है, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में बहुत करीब है, तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि जो इंटेंसिटी है यानी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो बहुत अधिक है। ठीक है, इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और दो अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में आपस में रिलेटिव क्लोजनेस नहीं है यानी बहुत गैप है, तो हम लोग कहेंगे कि इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है उसके गुण क्या क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और निगेटिव में प्रवेश करती है, दो फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के आपस में क्लोजनेस या फिर सेपरेशन वो हमें एक आइडिया देता है, बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, है ना। और विद्युत क्षेत्र पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है वो हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।